राशि वालों की, तो उनकी नींद कैसी होती है, साथ ही इनकी नींद का इनके फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए जानते हैं। देखिए कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है, प्रायः ये देखा जाता है कि ये लोग नम्र स्वभाव के, भावुक, इमोशनल होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ये चिड़चिड़े स्वभाव के भी हो जाते हैं। कर्क राशि के जातकों को या तो बहुत नींद आती है या फिर ये लोग अनिद्रा के शिकार होते हैं। ये लोग हमेशा सोते समय ख्यालों में खोए रहते हैं, सुकून में सोना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए नींद में इन्हें परेशान करना आपको भारी भी पड़ सकता है। कभी कर्क राशि के जातकों को सोए पर उठाना नहीं चाहिए। अगर कोई बुरा सपना आता है तो कर्क राशि के जातक जल्दी डर भी जाते हैं, क्योंकि ये भावुक होते हैं ना, तो इन्हें सोने के पहले भगवान विष्णु का ध्यान करके क्या कहना चाहिए, ओम अच्युत, ओम अच्युत, ओम अच्युत, अच्युत कहने पर भगवान श्रीहरि विष्णु का ध्यान करिए, उनके दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में कमल का, बाएं हाथ में शंख, और फिर दाहिने हाथ में नीचे गदा, और फिर बाएं हाथ में नीचे कमल का फूल, पीतांबर धारण किए हुए, पीली माला पैर से सर तक पीली माला धारण किए हुए, दिव्य मुकुट धारण किए हुए, और अमित तेजस्वी, करोड़ों सूर्य की आभा को भी लज्जित करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का इस तरह से ध्यान करते हुए 5 बार बोलिए, ओम अच्युत, ओम अच्युत, ओम अच्युत। अगर पसीना आपको आ गया है देख करके सपना, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है सपना देख करके, आप इतना डर गए हैं, तो ये मंत्र कहते ही आपको राहत मिलेगी। ये अग्नि पुराण का मंत्र है, ये सुरेश पंडित की उपजाई हुई बुद्धि नहीं है, ये अग्नि पुराण का मंत्र है कि जब भी आपको बुरे स्वप्न आएँ तो इस मंत्र को 5 बार बोलने से आपको तत्काल रिलैक्स मिलेगा और उस स्वप्न का बुरा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, हम कुछ पूजा पाठ, कुछ नियम धर्म, कुछ अनुशासन को मान करके नींद से संबंधित अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।